डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये एनसीईआरटी का मैथ क्लास सिक्स का है, ये एक्सरसाइज 8.5। इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर वन जहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे सभी का जो है सम मतलब होता है एड का जो आंसर होता है, जिसको हिंदी में योगफल बोला जाता है, तो उसको सम बोला जाता है। मतलब इसको ऐड करना है। यहाँ पे साइन जो है वो ऐड का दिया हुआ है, प्लस का दिया हुआ है, जिसको प्लस करना है। काफ़ी इजी है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ही बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। क्यों गलतियाँ होती हैं? क्योंकि इसको ज़्यादा ईजी समझा जाता है और ईजी समझने के बाद मिस्टेक होने की संभावना बढ़ जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट मैंने लिया यहाँ पर। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे इसको सजाने का प्रॉब्लम होता है। अगर आप सही से सजा नहीं पाते हैं तो फिर ऐड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से लिखना है 0.007 फर्स्ट में दिया हुआ है। अब यहाँ पे 8 पॉइंट है, तो पॉइंट के इधर वाला पॉइंट के इधर ही रहेगा 8.5। अब इसके बाद हम 0.0 लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू सेम होती है। अब यहाँ पर 30 है तो 30 हो गया 30, उसके बाद 0.8, उसके बाद फिर हम 0 लगा सकते हैं। ये अब इसको हम करेंगे ऐड, तो यहाँ पे 7 हो गया, सिंपल ऐड करना है। यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे हो गया 5 पॉइंट हो गया, यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, और बस यही जो है 38.5787 यही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली आपको इस तरह से ऐड कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का बी पार्ट है और इसको ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम 15 के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट लगाने के बाद हम 0.0 और फिर 0 डाल सकते हैं, क्योंकि इसको मेकअप करना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 0.632, उसके बाद दिया हुआ है 13.8, उसके बाद हम 0.0 डाल सकते हैं। अब यहाँ करना है इसको ऐड, यहाँ कितना हो गया 2, फिर यहाँ हो गया 3 और 6.8 14 हो गया, 1 14 4 हो गया और 1 बच गया। अब 1 बच गया तो यहाँ 5.38 और 1.9 हो गया और यहाँ 2 हो गया 29.432, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन का सी पार्ट है और इसको सजा लेते हैं हम लोग, उसके बाद ऐड करते हैं 27.076, उसके बाद 0.55 और 0 लिख सकते हैं, उसके बाद 0.004। अब करेंगे इसको ऐड, यहाँ पे हो गया 6.4.10 हो गया, तो 0 लगाएंगे, 1 बचा हुआ है, 7.5.12 और 1.13 हो गया, फिर 1 बचा हुआ है 5 और 1.6.72 27.630, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का डी पार्ट है, इसको ऐड करते हैं 25.659.005, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं और 3.700 लगा सकते हैं। अब इसको हम करेंगे ऐड, 5 हो गया यहाँ पे, यहाँ फिर 5 हो गया और यहाँ पे 6.12.113 हो गया, 1 बच गया है, यहाँ पे 9.3.12.12 और 5.17 और 1 हो गया 18, तो यहाँ पे 8 हो गया, 1 बच गया, यहाँ पे हो जाएगा 213.38.355, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का ई पार्ट है, इसको ऐड कर लेते हैं 0.75, इसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है 10, तो यहाँ से होगा 10.425, तो यहाँ हम 0 लगा देंगे, उसके बाद प्लस 2 है तो यहाँ 2 लिखते हैं, पॉइंट देंगे और फिर 0.0.0 3.0 लगा देंगे, वैल्यू सेम होगा। अब यहाँ इसको करेंगे ऐड, तो यहाँ हो जाएगा 5.527, यहाँ पे 7.4.11 पॉइंट, यहाँ 1 बच गया, तो यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1.13.175, और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट, और ये क्वेश्चन नंबर वन का लास्ट पार्ट है, इसको ऐड करते हैं 280.69, उसके बाद दिया हुआ है 25
यहाँ पे हम जीरो लगा देंगे, उसके बाद दिया हुआ है 38 ओनली, तो यहाँ 38 लिखते हैं, पॉइंट इस पर जीरो लगा देंगे दो। अब इसको करेंगे प्लस, यहाँ पे हो गया 9 और 628 पॉइंट हो गया, यहाँ पे 8513, तो यहाँ पे 3 1 बच गया। अब 8 2 10 और 3 13 और 1 14 हो गया, 4 1 बचा हुआ है, तो वही 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, 2 के साथ 2 और 1 3 हो जाएगा, 343.89 और ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।